दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी को लेकर प्रियंका गांधी का शानदार रिएक्शन सामने आया है। डंकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये फिल्म देश की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि काफी लोग जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनकी हालात सबको पता होना चाहिए और ये फिल्म पूरे भारत देश के लिए अच्छी फिल्म साबित होगी। वही दोस्तों, डंकी का पूरे इंडिया में बवाल मचा रही है। डंकी का असली धमाका होना शुरू हो चुका है। रिकॉर्ड फाड़कर डंकी नया इतिहास लिखने जा रही हैं। फिलहाल डंकी की इतनी ज्यादा हाइप है कि देखकर ही लोगों के होश उड़ रहे हैं। फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए ओवरसीज में शाहरुख खान का नाम ही काफी है। दुनिया भर में सभी जगह डंकी की बुकिंग खोलने के बाद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आ चुकी है। वही दोस्तों, शाहरुख खान इस फिल्म में कॉमेडी सीन में नजर आए। ये फिल्म पूरी तरह से फैमिली के साथ देखने में आपको मजा आने वाला है। इस फिल्म को अब रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है और फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी शानदार नजर आ रही हैं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने दिखा दिया कि उनके जैसा डायरेक्टर पूरे देश में नहीं है। वही दोस्तों, शाहरुख और राजकुमार हिरानी की सफलता देखकर लगता है फिर से हजार करोड़ की फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिल रही है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है, जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी। दोस्तों, डंकी का जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। यूरोपीय देशों से इस बार डंकी जवान से भी ज्यादा कमाई कर सकती है। वही दुबई में भी शाहरुख की फिल्म काफी आगे जाएगी।